हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आज हमने टेस्ट लिया था एलसीए एकेडमी में, और यह टेस्ट था लाभ हानि प्रश्नावली का। तो इसकी जो आंसर की है वह हमने लास्ट वीडियो में अपलोड कर दी है। इस वीडियो में हम कम्प्लीट सोल्यूशन देखेंगे, हम देखेंगे कि प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो हमारा जो पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न को कैसे हल करना है, देखिए सभी प्रश्नों के सोल्यूशन आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, गोपाल ने एक भैंस नरेश को 20% लाभ पर बेची, मतलब 100 रुपये की है तो 20% लाभ पर मतलब 120 में बेची। आगे कह रहा है कि नरेश ने 25% लाभ पर सुरेश को बेची, तो 120 का 25% लाभ निकालिए, 120 गुणा 25/100 तो ये 30 आएगा। तो कितने में बेची, 150 में। आप करके देख लीजिएगा इस तरह से, 120 गुणा 25/100 तो 25 चौके 100, 4 3 12 30 आएगा। तो ये करके देख लीजिएगा। तो आगे इसने भी 20 बेच दी, कितने में, 120 वाली 150 में बेच दी, और ये 25% लाभ हो गया। आगे सुरेश ने उसे 10% हानि पर विनोद को बेचा, तो 150 का 10% करेंगे तो 15, हानि पर है तो 15 घटा दो, 150 में से 15 घटा दो कितना आएगा, 135 में विनोद को बेचा, मतलब विनोद के 135 रुपये लगे। यदि विनोद ने उसे 2700 में खरीदा, मतलब 2700 का संबंध किससे है, 135 से है, तो बताओ गोपाल ने उसे कितने में खरीदा था, गोपाल ने कितने खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा था। तो 2700 का संबंध किससे है, 135 से है, और शुरू वाला निकालना है, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो क्वेश्चन मार्क लगाया है 100 पर, क्वेश्चन मार्क लगाया है 100 पर, इंटू में रकम है 135 नहीं है, इंटू में रकम जो सवाल में दी हुई है, रकम है 2700 और बटा में संबंध किससे है, 135 से है। तो कटिंग कर रहा हूँ, 27 एकम 27 27 5 135, इसको साफ साफ कटिंग कर देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। ऊपर लिखेंगे 100, इंटू में 2700 और बटा में कितना है, 135, तो 27 एकम 27 27 5 135 और 5 2 10, तो ये आ गया हमारा 20 और 2 0, ये 2000 आ गया। लेकिन देखिए उत्तर क्या दिया हुआ है, उत्तर 20000 दे रखा है, उत्तर कितना दे रखा है, 20000 दे रखा है, 2000 कहीं नहीं दिया हुआ। तो मतलब इस सवाल में थोड़ी सी एरर थी, एरर ये थी कि यहाँ 0 आना चाहिए था, और 0 आता तो ये कितना हो जाता, 20000 हो जाता। क्यों 0 होता तो हम ऊपर 100 लिखते, इंटू में 27000 लिखते, और बटा में कितना लिखते, 135, तो 27 5 135 और 5 2 10 20, और ये 1000 हो जाता, 20000 हमारा आंसर आ जाता। तो यहाँ 20000 के अलावा 2000 तो कहीं दिए ही नहीं हुआ, तो नहीं दिया हुआ तो आंसर तो यही होगा, यानी आपका चेक तो यही किया जाएगा, मतलब आप लगभग कर लेते तो आप ये कर लेते। तो चलो कोई बात नहीं, आंसर आपको पता लग गया कि कितना आ गया, आंसर आ जाएगा 20000। ठीक है, यह पहला आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, एक पेन को 24 रुपये में बेचने से उतने ही परसेंट की हानि होती है जितने का पेन का क्रय मूल्य है, पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए ऐसे प्रश्न मैंने करवाए थे, प्रश्नों में बताया था कि अगर लाभ हो तो 25 में जोड़ते हैं और हानि हो तो 25 में से घटाते हैं, तो 25 में से 24 को घटा दो कितना आएगा, 1, और इसको रूट में करना है, इसको 10 से गुणा करना है, ट्रिक बताई थी, और उसमें से 50 घटाना है, तो 1 का रूट 1 हो गया, 1 को 10 से गुणा करेंगे 10, 10 में से 50 घटाएंगे, 10 में से 50 घटाएंगे, 10 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 40। दोबारा बताता हूँ कैसे करना था, कि हानि में घटाना होता है 25 में से और लाभ को जोड़ना होता है, तो हानि है तो 25 में से 24 घटा दो 1, 1 किस में, रूट में, रूट में, और इसको 10 से गुणा करना है और इसमें से 50 घटाना है, तो 1 का रूट 1 होता है, 1 को 10 से गुणा करेंगे 10, 10 में से 50 गया, माइनस का 40, माइनस का 40। अब देखिए माइनस तो हानि को बता रहे हैं, और उत्तर हमेशा 100 की डिजिट में होता है, 100 के जोड़े में, तो 40 में क्या जोड़ूँगी, 100 हो 60 जोड़ दें, तो उत्तर होता है 40 या 60, और माइनस बताता हानि को, तो उत्तर आएगा 40 या 60। तो गौर से देखिए 40 या 60 यहाँ आएगा। और एक चीज़ और देखिए, हमेशा इनका टोटल 100 रहता है, इसका टोटल देखो 50 70 120, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, इसका टोटल 80 और 100 180, ये नहीं हो सकता, तो उत्तर या तो ये हो सकता था या इनमें से कोई नहीं, तो फिलहाल हमारा उत्तर आ चुका है 40 या 60। तो ये हमारा सेकंड प्रश्न हो चुका है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, सुनील ने एक मोबाइल 3745 रुपये में बेचकर 7% का लाभ प्राप्त किया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए आपको कैसे करना था, कि 100 रुपये का मोबाइल है और 7% के लाभ प्राप्त किया, मतलब 107 में बेचा, और हम तो कह रहे हैं 107 में बेचा, लेकिन सवाल वाला क्या कह रहे हैं, हमने ये कहा कि 100 रुपये का मोबाइल है, अगर 100 रुपये का अगर मोबाइल है तो 7% के लाभ पर 107 में बेचेंगे, सवाल वाला कह रहा है 3745 में बेचा, मतलब 3745 का संबंध 107 से है, और क्रय मूल्य ज्ञात करो, मतलब 100 को ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य 100 ऊपर लिखेंगे, इंटू में
3745 लिखेंगे और बटा में 107 लिखेंगे। तो 107 के पड़े से आप इसको काट लो, तो 100 दो 100 होती है 300, 7 21 321 तीन पर कटेगा एक बार, तो और 7 5 35 पाँच पर कटेगा। 35 को 107 से गुणा करना आप, ये आएगा, और 35 को 100 से गुणा करो 3500। तो देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है 3500। तो प्रश्न का आंसर है तीसरे का डी ऑप्शन 3500। अगला प्रश्न देखिए, अनिल ने एक घड़ी 4500 रुपये में बेच के 10% हानि प्राप्त होगी, 4500 में बेचा है 10% हानि होगी, क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम वही प्रश्न है, देखिए मान लो 100 रुपये की, अगर 100 रुपये की होती तो 10% हानि मतलब 90 में बेचता, अपने तो कह रहे हैं 90 में बेच रहा है, सवाल वाला कह रहा है 4500 में बेच रहा है, 4500 का संबंध किसी हो गया 90 से, और कह रहे कि घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो, 100 को ज्ञात करना है, 100 को ऊपर लिखेंगे बटा में 90 इंटू में कितना 4500, 4500 अब काट दो, 0 से 0 9 5 45, 50 को 100 से गुणा करेंगे 5000। देखो ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन सी में 5000। तो बिल्कुल सिंपल पेपर था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था आपका पेपर। आगे कह रहे हैं कि कोमल ने एक साड़ी 7200 में बेची और उसे 20% की हानि हुई, बताइए उस साड़ी को कितने में बेचना चाहिए कि 10% का लाभ हो। तो ये भी सवाल कराया हुआ है, 7200 में बेची है, 7200 में बेची है तो 20% हानि मतलब 80, और कितने में बेचना चाहिए मतलब वो एस टू सेलिंग सेकेंडरी सेलिंग प्राइस निकाल लें ताकि 10% का लाभ हो मतलब 110 मिले। यहाँ एक ऊपर 7200 है, मैंने इसी को इस्तेमाल कर लिया, तो आप सीधा 110 का गुणा इधर कर दो, मतलब 7200 इधर 7200 पड़ा है बटा में कितना है 80, 110 का यहाँ गुणा कर दें, गुणा कर दें तो 0 से 0 काट दो, 8 निम 72 90 90 और 11 निम 99 99 सौ आजी का बस हो गया 9900 रुपये फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए, हमें कह रहे हैं कि 20 सेबों के क्रय मूल्य को 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट, तो वो ट्रिक लग जाएगी ए माइनस बी बटा बी गुणा 100, तो ए माइनस बी 20 माइनस 25 बटा में 25 और गुणा में 100, ये ट्रिक लग जाएगी, तो सीधा काट दो 25 ओके 100 और 20 में 25 गया माइनस का 5, माइनस 5 को 4 से गुणा करेंगे माइनस का 20 और माइनस हानि को बता रहा है तो 20% हानि, और ये कौन सा ऑप्शन है देख लो 20% हानि वाला ए ऑप्शन हो गया। समझ में आ रहे हैं आपको, आपको प्रश्नावली कराई हुई है इतना दिक्कत नहीं आएगी, हाँ जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको दिक्कत ये दिक्कत है। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल का मूल्य 10% बढ़ गया जिससे 750 रुपये में 15 किग्रा चावल कम प्राप्त होते हैं, चावल कम मिलते हैं, चावल का नया मूल्य प्रति किग्रा में क्या है। पहली बात ये प्रश्नावली लाभ हानि का सवाल ही नहीं है, लाभ हानि का सवाल नहीं है, ये है परसेंटेज का, याद करो हमने परसेंटेज में एक टाइप किया था जिसमें नया भाव ज्ञात करना था, तो ये कह रहा है कि चावल का नया मूल्य ज्ञात करो, नया भाव ज्ञात करना है, तो नया भाव के लिए ट्रिक थी मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल को कैसे करते हैं। हमें रुपये 750 दिए, 15 किलो दिए, देखो कैसे करना था, इस सवाल को करना था नया भाव है ना, तो हमने ट्रिक बताई थी रुपये लिखो इंटू में परसेंट लिखो, 10% है और नया मतलब नो चेंज 100 का 100 और इंटू में केजी कितना है 15। देखो करने का तरीका, यहाँ रुपये लिखते हैं 750 रुपये, परसेंट 10%, नो चेंज मतलब 100 का 100 और यहाँ किलो 15 किलो, कटिंग कर दो, 2 0 से 2 0 कट गया और 15 5 75 5 रुपये किलो आ गया, देखो कौन से ऑप्शन में 5 रुपये किलो सी। तो जिन्होंने प्रतिशतता की है नया भाव पुराना भाव वो कर लेना, उसका सवाल है ये। चलिए आठवां प्रश्न, किसी वस्तु को 119 में बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो ये सवाल हमने जो सेकंड सवाल किया था, ये सवाल 24 रुपये वाला, ये देखो ये जो सवाल किया था ना इसमें हानि थी और इधर वाले सवाल में अब क्या गया लाभ आ गया, वही सवाल है, तो उस सवाल में याद करो क्या करते हैं, हानि को तो 25 में से घटाया था, लाभ को 25 में जोड़ेंगे तो लाभ हो रहा है ना, तो 25 में से 25 और 119 जोड़ो, 25 और 119 हो गया 144 हो गया ना, 144 का रूट कर दो, 144 का रूट कर दें कितना 12 को 10 से गुणा कर दो 120 उसमें से 50 घटा दो, 50 घटा दो कितना आएगा, 50 घटा दो कितना आ गया 70, देखो ऑप्शन में कहाँ 70, ये रहा 70 ऑप्शन नंबर डी में हो गया ना, आपको ये टाइप करवाया हुआ है आराम से देख लेना। चलिए अगला नौवां प्रश्न, एक मेज जिसकी कीमत 750 है 4% के हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या है, भी खुद ही देख लो 750 की चीज़ है 4% के लॉस पर बेच रहे हैं, 4% का लॉस हो गया, देखो 25 75 और 25 4 100 4 से 4 कट गया मतलब 30 रुपये घाटे में बेचना है, तो खुद देखो 750 की चीज़ है 30 रुपये घाटे में बेच दो 720 में बेचोगे, देखो ऑप्शन कौन सा डी हो गया 720 में बेचोगे, बच्चों वाले प्रश्न है बिल्कुल। दसवां प्रश्न, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 में खरीदता है 15% की हानि पर बेचता है साइकिल का विक्रय मूल्य, बिल्कुल मजाक प्रश्न, 1400 रुपये की साइकिल है 15% का घाटा लग गया, 15% घाटा मतलब
2020 काटो, कितना हो गया 15 चौके 60, असल 6 15 और 6 कितना हो गया 21, 210 की घाटे में भेज दो, तो 1400 में से 210 घटाओ, 1400 में 200 घटाओ 1200, 10 और घटा दो 1190, 1190 देखो ये रहा ऑप्शन बी, 1190 ऑप्शन बी। चलिए 10% हो चुके हैं, अगले प्रश्न पर आओ। और क्या कह रहे हैं, एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है और 890 रुपये में बेच दिया गया हो तो बताओ कितना वास्तविक लाभ यानी होती है। अब एक चीज़ देखो, एक रेडियो है 990 में बेचें 10% के लाभ पर, 990 में बेचना है 10% के लाभ पर। अब एक मान लो 100 रुपये का रेडियो है, 100 रुपये का रेडियो है 10% के लाभ पर बचे, मतलब 110 में बचे, अपने कह रहे हैं 110 में, सवाल वाला कह रहे हैं 990 में, 990 का संबंध किससे हो गया 110 से। और अभी देखिए 100 निकालना है, इंटू में 990 और बटा में 110, 0 0 11 99 कितना आ गया 900, यानी 900 का रेडियो है, 900 का रेडियो है। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 900 का रेडियो है और यदि इसे 890 में बेचें बेचा गया होता तो उसे कितना वास्तविक लाभ या हानि होता, तो आप बताओ भी रेडियो 900 का है, 900 का रेडियो अगर 890 में बेच दें तो क्या होगा, 10 रुपये का लॉस होगा। देखो कहाँ लिखा हुआ है 10 रुपये का लॉस, 10 रुपये का लॉस ये रहा ऑप्शन ए में है, 10 रुपये की हानि। समझ में आ रहे हैं, आगे देखो ये हो गया 10 रुपये के लॉस पर अपने ने इसको कर लिया। 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न देखो, 12वां इसी में दिया हुआ है, ये रहा कह रहे यदि कोई कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 में बेचने पर 20% हानि उठाता है, उसे 20% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा है, देखो 480 में बेच रहा है तो 20% लॉस हो रहा है, मतलब 20% लॉस मतलब 80, और एस टू सेकंड सेलिंग प्राइस पूछ रहा है 20% के लाभ मतलब 120, तो 120 भाग में इधर आगे गुणा में आ जाएगा, तो गुणा में बाद में लाएंगे, पहले इसको काट लो 0 0 8 6 48, अब गुणा में ले आओ 12 6 72, 7200 देखो कहाँ लिखा हुआ है, 7200 क्या, एक जीरो कमी थी, दोबारा करा देता हूँ, देखो 480 बटा में 80 और गुणा में एस टू चाहिए बराबर में और बटा में कितना 120, तो 0 0 तो कट गया 8 6 48, ये बचा है 6 और 12 6 72, 720 देखो 720 का है, 720 ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगला, एक घड़ी 1140 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है, 5% के लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब आप देखो भी एक घड़ी कितने की है, 1140 की, 1140 की घड़ी है, 5% की हानि होती है मतलब 95, और कितने में बेचें एस टू कितने में बेचें कि 5% लाभ हो 105, तो 105 भाग में इधर आगे कहाँ आजगा, गुणा में आजगा, तो कौन से पार्टी से काट दें, पहले कटिंग कर लो, आप काट लो 19 5 95 और 19 6 114, ये कटिंग होगी, दोबारा कटिंग देख लो 19 5 पहाड़े याद होनी चाहिए, अब देख लो तो कितना होगा 19 5 95, 19 6 114, तो और यहाँ ये जीरो को ध्यान रखना, ये जीरो पड़े, ठीक है इसको और काट लो, काटने दो 5 के बड़े से, 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 12 गया। अब 105 को 12 से गुणा कर दो, 12 5 60 और 12 एकम 12, 1260 देखो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ, 1260 तेरहवें का ये लो जी, 13वां प्रश्न था ना हमारा, 1260 ये रहा ऑप्शन डी हो गया, ठीक है जी, इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला प्रश्न देखो, किसी मेज को 400 के स्थान पर 350 में बेचने पर हानि परसेंट 5% है की हो जाती है, तो मेज का क्रय मूल्य। अब एक चीज़ आप देखो, 400 वाली चीज़ 350 में बेची तो वैसे तो लॉस 50 का हुआ, लेकिन सवाल वाला कह रहा है 5%, मतलब 50 का संबंध किसी है 5% से, और क्रय मूल्य 100 रुपये पूरे अपने आप में, तो 100 इंटू में 50 और बटा में 5 5 एकम 5 कितना आ गया 1000, देखो कौन से ऑप्शन में 1000 दिया हुआ है, बिल्कुल नकली सवाल है 1000 ये रहा। सारी प्रश्नावली जिसने लगाई है ना उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, आप अपने पेपर में देख लेना अभी, इसमें थोड़ा सा फोटो सही नहीं है। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंट। देखो एक सिंपल सा सवाल है, 69 में बेचें तो 8% हानि, 8% हानि मतलब 92, और क्या कह रहा था, और कह रहा था 78 में बेचें, तो देखो 69 में बेचें तो 8% हानि मतलब 92, और कितने में बेचें मतलब एस टू पूछ रहे, सॉरी 78 में बेचें, 78 में बेचें तो कितना लाभ या हानि, तो लाभ या हानि, ये लाभ या हानि जो 100 प्लस माइनस 1 जो भी है ये निकालना है, तो पहले तो इसको गुणा करो, किस पाड़े से काटेंगे, तो कटिंग करो,
देखो 23 के बड़े से काट लो, 23 का बड़ा 23, 40, 33, 69 और 23 चौके 92, ये आ गया। अब ये आ गया तो अब इसको भी कटिंग आप 3 से कर सकते हो। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, और 26 चौके कितना बजर गुणा कर लो, यहाँ तो एक बच गया। एक गुणा करें तो 100 + x, और इसको करें तो 26 चौके 104 हो गया। 100 + x और 104, तो 100 से ज़्यादा कितना है, 4 ज़्यादा 4% का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस का उत्तर है, तो 4% प्रॉफिट देखो इसमें आ रहा, 4% प्रॉफिट बी ऑप्शन आ जाएगा। करके देख लो, बिल्कुल ईजी प्रश्न है। ए ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, बे को 20% लाभ पर बेची, बे ने से को 10% लाभ पर बेची, से अब कितने रुपये चुकाए। लो नकली सा प्रश्न देखो, 400 रुपये में खरीदी, 400 रुपये ने ए ने 20% लाभ पर बेची, आगे तो 400 का 20% कितना हो गया, 80 रुपये हो गया। 400 का 20% निकाल लो यार, 400 का 20% ये लो, 80 रुपये के लाभ पर, मतलब 480 में इसको बेच दी, और आगे वो क्या कह रहे हैं, 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, 480 का 10% निकालो, 480 का 10% 48 हो गया, 48 को जोड़ दो, 8, 8 = 12 और 5, 5 = 28, देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 528 रुपये चुकाएगा, ये लो हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर, इसमें थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, इसमें देख लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा आप, चलो उसी में चलते हैं, लाइट दिख रहा है, थोड़ा सा हैंडल करो इसको। हाँ भी हमारा प्रश्न था 528 हो गया था, 17वां प्रश्न देखो, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से, 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना पर 60 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो छठे टाइम में किए थे, याद करो क्या करें, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने, 20% लाभ में बेचते तो 120 में बेचते, और 20% हानि में बेचते तो कितने बेचते, 80 में बेचते, तो दोनों का डिफरेंस कितने का रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 40 का, हम तो कह रहे हैं 40 का, लेकिन सवाल वाला कह रहा है 60 का, तो 60 का संबंध इसी है, क्रय मूल्य 100 है, तो क्रय मूल्य 100 है इंटू में सवाल वाले का डिफरेंस है 60, हमारा डिफरेंस है 40, कटिंग कर लो, 0 0 काट दो, 25 चौके 100 और 25 छके 150, 150, देखो कौन से ऑप्शन में 150 है, 25 छके 150, ये लो 150 हो गया। तो चले अगले पर, हाँ भी अपना जो पेपर आपको मिला हुआ वो खोल लेना है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, ये लाइट हो रहा है, तो अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। किसी वस्तु को 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय किया जाता है तो कीमत में 10 रुपये का अंतर हो जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य, देखो बिल्कुल नकली सा सवाल है, क्या करें दोनों का डिफरेंस, ये करें 25% लाभ मतलब 125 और 20% लाभ मतलब 120, तो डिफरेंस कितना हो गया 5 का, अपने 5 का कह रहे हैं, सवाल वाला 10 का कह रहा है, 10 का संबंध 5 से, क्रय मूल्य निकालना है, 100 ऊपर बटा में 5 इंटू में 10, तो 5 × 10 और 2 को 100 से गुणा करें 200, देखो किस में आ रहा है 200, ये रहा बी ऑप्शन में 200 आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य, तो देखिए 20% लाभ मतलब 120 और 25% लाभ 125, डिफरेंस कितने हो गया 5 का, हम 5 का कह रहे हैं, सवाल वाला 35 का कह रहे हैं, 35 का संबंध 5 से, क्रय मूल्य 100, 100 × 35 बटा में 5, 5 × 35 = 700, देखो कौन से ऑप्शन में 700 आ रहा है, 700, 19वें का बी 700 हो गया। चलते हैं आगे, हाँ ये सही है, उधर वाले थोड़े से लाइट में थे। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, वस्तु को विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता है यदि 5% लाभ हुआ होता, वस्तु का क्रय मूल्य, सेम सवाल चल रहे हैं, देखो 20% हानि का मतलब 80 में बेच दिया और 5% लाभ मतलब 105 में बेच दिया, तो हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना हो गया, 80 और 105 का 25 का डिफरेंस हो गया, कितने का डिफरेंस हो गया 25 का, सवाल वाला क्या कह रहा है कितने का डिफरेंस है, कितने रुपये अधिक में बेचा होता, 100 अधिक में बेचा होता, दोबारा बता रहा हूँ क्या था, हमने क्या किया था, देखो हमने किया था 20% हानि मतलब 80 और 5% लाभ मतलब 105, तो हमने डिफरेंस किया था 25 का, सवाल वाला कह रहा है 100 का डिफरेंस है, 100 का संबंध किससे हो गया 25 से, और क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य 100 ही मानते हैं, 100 इंटू में रकम सवाल वाले ने दिए 100, हमने हमारे हिसाब से 25 25 चौके 100, कितना आ गया 400, देखो किस में आ रहा है, 4 का 100 से गुणा किया 400, ये आ गया सी ऑप्शन। चलिए 21वां प्रश्न, सोहन ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह 27 रुपये अधिक में बेचता तो 7% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य, सेम वही सवाल है, 5% हानि का मतलब 95 और 7% लाभ का मतलब 107, तो डिफरेंस कितने हो गया, 95 और 107 के बीच डिफरेंस कितने हो गया, 12 हो गया ना, हम तो कह रहे हैं 12 का, सवाल वाला कह रहा है 27 का संबंध 12 से, क्रय मूल्य निकालो, तो क्रय मूल्य 100 इंटू में कितना 27 और बटा में 12, 3 चौके 12, 3 27
पच्चीसों के 100 और 25 नहीं में 25 को 9 से गुणा करोगे 25 नहीं में 225, देखो 225 आ रहा क्या, 25 का 225। 22वां प्रश्न देखो, एक आदमी ने गायें 15% के आने पर बेची, यदि वह 150 रुपये अधिक में मूल्य पर बेचता तो 10% का लाभ होता, तो वो गाय का क्रय मूल्य, देखो लगातार प्रश्न एक ही टाइप के चल रहे हैं, 15% हानि का मतलब हो गया 85 और 10% लाभ मतलब 110, डिफरेंस कितने हो गया, डिफरेंस हो गया 15 और 10 25 का डिफरेंस हो गया, 25 का डिफरेंस सवाल वाला कितने का कह रहा है डिफरेंस, 150 का, 150 का संबंध 25 से, और क्रय मूल्य मतलब 100 को निकालना है, 100 को निकालना है ऊपर 100 इंटू में 150 और बटा में 25, तो 25 के 150, 6 को 100 से गुणा करेंगे 600 रुपये, देखो कौन से ऑप्शन में आएगा 600, ऑप्शन बी में आ गया। 23वां प्रश्न, एक वस्तु को 5% आने के स्थान पर 5% लाभ पर बेच दिया जाता है तो 5 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य सेम वही टाइप, 5% आने का मतलब हो गया 95 और 5% लाभ का मतलब हो गया 105, डिफरेंस कितने हो गया 10 का, हम तो कह रहे हैं 10 का डिफरेंस, सवाल वाला कह रहा है 5 का डिफरेंस, 5 का संबंध किसी है 10 से, क्रय मूल्य मतलब 100, 100 निकालने हैं इंटू में 5 है बटा में कितना है 10 है, 0 0 कट गया कितना गया 50, देखो किस ऑप्शन में 50 है, ऑप्शन सी में, तो लगातार सवाल एक ही टाइप के छठे टाइप में चल रहे हैं। आगे 24वां देखो, एक व्यक्ति दो मशीनों, दो वस्तुओं, आगे 10वां टाइप आ गया, एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 में बेचता है, मतलब पहली को भी 396 में, दूसरी को 396 में, एक पर 10% की हानि लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है पूरे सौदे में, तो आपको बताया 10 10 दिया है ना, तो ए स्क्वेयर बटा 100 मतलब 10 की स्क्वेयर बटा में 100, तो 100 बटा 100 मतलब कितना हो गया 1% हानि होगी, देखो किस ऑप्शन में 1% हानि, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखो, लास्ट 25वां, एक व्यापारी ने दो वस्तुओं को प्रत्येक को 6000 में बेचता है, विक्रय मूल्य सेम है, पहली वस्तु के बेचने पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% हानि, तो हो गया 4% हानि, 20 की स्क्वेयर 400, 400 बटा 100 कितना 4% हानि, तो लो जी ये था ये ऑप्शन नंबर बी, ये आपका एग्जाम था, 25 प्रश्न थे आपके, 25 की 25 का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, पेपर हार्ड नहीं था, बस पहले प्रश्न में थोड़ा सा ये कह सकते हो सर यहाँ 2700 दिया रखा था, दिया होना चाहिए था 27000, उसके अलावा और ये भी कर लेते, बिल्कुल इजी पेपर था, अगर आपने किया है, अगर किया है तो आप सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं कैसे करना था, सॉल्यूशन कैसे लगे इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, हाँ ये सॉल्यूशन लाभ आने वालों के लिए है, लाभ आने प्रश्नावली का जिनका टेस्ट था आज, एक टेस्ट संख्या पद्धति का भी था, तो उनका सॉल्यूशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आ रहे हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि सर ने वीडियो अपलोड कर दी है तो इसको देख लीजिए आंसर कैसे करने थे, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप एस के गुरुकुलम जरूर डाउनलोड करें, आपके आसपास में आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी कहें डाउनलोड करने को, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।